अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए भारतीयों ने कई आंदोलन और विद्रोह किए। 1857 की क्रांति और गांधी जी द्वारा किए गए कई आंदोलनों के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस विद्रोह की जिसके बारे में ज्यादा तो नहीं बताया जाता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मन इसी विद्रोह के बाद बनाया था। हम बात कर रहे हैं 1946 में हुई रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की। यह विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ। लगभग 20,000 रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने मांग रखी कि जो सहूलतें अंग्रेज नाविकों को मिलती है उन्हें भी वही सहूलतें दी जाए। इसको लेकर उन्होंने 5 दिन तक हड़ताल की। इस हड़ताल को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की व्यापक मांग में परिवर्तित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और देखते ही देखते पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। विद्रोह से लगभग 6 महीने पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर देश में अंग्रेजों के खिलाफ काफी गुस्सा था। इस विद्रोह ने आग में तेल डालने का काम किया। अंग्रेजों की सोच थी कि ब्रिटिश फौज में अगर भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी तो भारत में एक भी अंग्रेज नहीं बचेगा, इसलिए यह विद्रोह अंग्रेजों के भारत छोड़ने का एक बड़ा कारण बना।